होली की खास ओकेजन पे आज हम बनाएंगे दही पकौड़ी। ये बनाने में आसान है, देखने में प्रेजेंटेबल है और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। दही पकौड़ी बनाने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में डालें 3/4 कप बेसन। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आए। 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इस मिक्सर को थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह से लगातार मिक्स करते रहें ताकि मिक्सर के लम्स न बन पाए। बेकिंग सोडा डालने से पकौड़ियाँ बढ़िया फ्लफी सी बनकर तैयार होंगी। बेसन के मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट से ढककर अलग रख दें। इतनी देर में हम दही तैयार कर लेते हैं। दही तैयार करने के लिए एक बाउल में डालें 2 कप दही। इसे अच्छे से फेंट लें। हम घर का जमाया दही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और बढ़िया है। इसमें डालें 2 चम्मच चीनी, तकरीबन 1/4 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम बेसन के मिक्सर को पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसमें डालें 1/4 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच चॉप किया हुआ धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में इसमें डालें 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और अच्छे से मिक्स कर लें। अब पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा सरसों का तेल डालें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस तरह बेसन की लगभग 1-1 इंच की पकौड़ियाँ बनाकर फ्राई कर लें। इन्हें हम मीडियम हाई गैस पर फ्राई कर रहे हैं और तकरीबन 2-2.5 मिनट में जब ये लाल रंग की नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है। पकौड़ियों को हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। अब हम दही के मिक्सर को एक बार फिर से इस तरह फेंट लेंगे। अब इसमें क्रंच लाने के लिए डालें थोड़ा सा बारीक काटा हुआ प्याज, थोड़ी सी चॉप की हुई गाजर और इसमें फ्राई की हुई पकौड़ियाँ डालकर मिला दें। पकौड़ियाँ दही में डालने पर पकौड़ियाँ दही अब्सॉर्ब कर लेंगी जिससे ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। लास्ट में इसे बारीक काटे हुए धनिया पत्तों से सजाएं और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालकर सर्व करें। होली के मौके पर ये आसान और टेस्टी दही पकौड़ी घर पर बनाकर अपने दोस्तों को सर्व करें, ये होली का मजा दुगना कर देंगी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।